आप सभी लोग हैं इसमें, दो चार लोगों का आवाज नहीं है, कुछ लोग हैं बीच में, क्या हम लोग सभी लोग हैं? मालूम कैसे पड़ेगा आप लोग यहाँ पर है? तो आए हुए नए लोग जितने भी पहली बार जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो गेस्ट है हमारे, उनके लिए हमारे पुराने लोग एक बार जोरदार ताली हो जाता है, जोरदार। मेरा नाम राम चौहान है और ये बिजनेस जैसे आज आप लोग देख रहे हो, आज से 8 साल पहले मैंने देखा है और दिखाने वाले हमारे बाद यहाँ पर आने वाले जो मेरे गुरु है मिस्टर शैलेश सिंह सर, उनके लिए ताली हो जाए एक बार। आप लोग बहुत लकी हो, इतने बड़े लोगों के बीच में देख रहे हो, इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, एसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हम लोगों के पास दिख रहे हैं। मैंने जब ये बिजनेस को देखा था ना सर, मुझे ये बिजनेस आज से 8 साल पहले जो सीनियर है हमारे शैलेश सर, उन्होंने घर पे आकर समझाया था। मैं ये बिजनेस में आने से पहले कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था, 12वीं पढ़ता था, मेरी आगे की पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, घर में तकलीफ थी, प्रॉब्लम थे, झोपड़पट्टी चौल में यही डोंगरी पाड़ा में रहा करता था, घोड़बंदर रोड पे माझीवाड़ा में मेरा कॉलेज था और जिस समय मैंने देखा था उस समय मैं 12वीं में था और मेरे घर से मेरा कॉलेज 4 किलोमीटर लंबा होता था और मैं साइकिल से जाया करता था कॉलेज। और जिस समय हम लोग ये बिजनेस की शुरुआत किए थे उस समय मेरे पापा 6-7 हज़ार की नौकरी किया करते थे, मम्मी भी 1,500-2,000 का काम किया करते थे, आज से 8 साल पहले की बात है। और ये बिजनेस में आने से पहले हम लोग 20 साल से एक झोपड़पट्टी में भाई 10x10 के खोली में रहते थे, इतनी सारी तकलीफें चलती थी ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मेरे घर में मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, वो भी पढ़ाई करते थे, उनके कॉलेज उनके स्कूल के लिए फीस नहीं रहता था, मेरे कॉलेज के लिए फीस नहीं मेरे मम्मी पापा के पास होता था, इतनी तकलीफ वाली जिंदगी हम लोगों की चल रही थी। और जब वो हर महीने का जो राशन आता था ना, वो जो बाजू वाला दुकान वाला होता था उधर से जो मेरी मम्मी राशन लेके आती थी, उसके लिए भी पैसा हमारे पास नहीं था, इतनी सारी तकलीफें चलती थी। और बचपन से तकलीफों की वजह से मम्मी और पापा का ना झगड़ा हुआ करता था, ये बिजनेस में आने से पहले की बात बता रहा हूँ। और मैं भगवान से एक ही मनाता था, हे भगवान ऐसा कुछ तो मेरे लाइफ में आए कि मैं ये तकलीफों को दूर करूं। मैं थैंक यू बोलता हूँ उस भगवान उस परमपिता परमेश्वर को, एक बार जोरदार उस ऊपर वाले के लिए ताली हो जाए। आज से 8 साल पहले वही भगवान ने एक फरिश्ता बना के मेरे लाइफ में भेजा शैलेश सर के थ्रू। आज आप लोग आए हो किसी ना किसी के थ्रू, वो आपके लिए भगवान ने भेजा हुआ एक फरिश्ता है। मुझे आज से 8 साल पहले शैलेश सर मिले, ये बिजनेस को घर पे आकर समझाया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था मुझे, ये माई लाइफ स्टाइल क्या है, यहाँ पर बिजनेस क्या है, यहाँ पर लाखों रुपया आता है, यहाँ के लोग पैसे कमाते, घर लेते, गाड़ी लेते, कुछ समझ में नहीं आया था सर। जब मैंने बिजनेस को जुटा था मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी, ये बंदा अगर बोल रहा है, क्योंकि मेरे घर पे जब शैलेश सर आए थे उन्होंने बोला 2 साल में मेरे पास गाड़ी आ गई, घर हो गया, मैं लाखों रुपया महीने का कमा रहा हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई और मैं यूपी से आके मुंबई में कमा रहा हूँ। और मैं ये बिजनेस में आने से पहले मुंबई में बचपन से रहता था सर और बचपन से गरीबों वाली हम लोग जिंदगी जी रहे थे। और मुझे एक चीज पता चला, अगर ये गरीब वाली अगर जिंदगी से निकलना है मुझे बाहर, तो आज मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था ये बिजनेस के अलावा। और जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया ना, हमारे पास भी पैसा वैसा नहीं था। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और ये बिजनेस के बाद बाहर निकलेंगे, हमारे लोगों को बोलते पैसा नहीं है, सोच के बताएंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे बहाने देते। हमारे पास भी पैसा वैसा नहीं था, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना था उसके लिए भी पैसा नहीं था। मैनेज किया मैंने, पापा ने कर्जा उधार लेके मुझे दिया और मैंने मैनेज करके बिजनेस को स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया, ये बिजनेस में कुछ लोगों को लाना पड़ता है अपने को, तो हमने आजू बाजू वाले लोगों को बताना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने बोला है पागल बनाने का धंधा है, मेरे अंकल थे पढ़े लिखे अंकल थे, उन्होंने बोला मेंबर बनाने का काम ये थोड़ी भी चलता है, कुछ लोगों ने बोला बेवकूफ बनाने का काम है, कुछ लोगों ने बोला मेंबर बनाने का काम है, कुछ लोगों ने बोला चैन मार्केटिंग ऐसा चलता नहीं है, ये कोट पैंट आए वाले लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे तमाम टाइप के लोगों ने ना बोलना चालू कर दिया सर। और मैं बिजनेस में आने से पहले कुछ किताबें पढ़ा करता था और उन किताबों में लिखा था सर कि जिस काम में कोई भी काम दुनिया का अगर लोग आपको मना कर रहे, समझ लेना वो काम आपको बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। लोगों का नहीं सुना, मुझे मालूम था अगर मेरे घर की अगर तकलीफें आ रही है, मेरे घर में अगर राशन की जरूरत है,
मुझे पैसे की तकलीफ आती है कोई बाजू वाला सपोर्ट करता है क्या सर? बोलिए आप लोग, कोई नहीं करता है। तो मुझे मालूम पड़ा इन लोगों का क्यों सुनू मैं, मुझे अपना सुनना था, मेरी गरीबी दूर करना था, मैंने स्टार्ट किया। जब से स्टार्ट किया पीछे पलट के नहीं देखा सर, आज 8 साल इस बिजनेस में क्रॉस हो रहा है। ये रामचवान एक दिन 10,000 महीना कमाने के लिए आया था, आज हर महीने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी कमा लेता हूँ। जब ये बिजनेस को आया था ना, यही माझीवाड़ा में साइकिल से चला करता था मैं। स्टार्टिंग में मैंने 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल खरीदी, इसके बाद एक नैनो गाड़ी खरीदी, इसके बाद एक मारुति की वैगनर गाड़ी खरीदी, होंडाई की गाड़ी खरीदी, इसके बाद क्रेटा गाड़ी खरीदी, 5वीं गाड़ी अभी मेरी आने वाली है। सोच के देखना है कॉलेज स्टूडेंट लड़के। ये बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, यही थाना में हम लोग घोड़बंदर रोड पे झोपड़पट्टी में रहा करते थे 20 साल से। आज हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं और हर किसी का यहाँ पर एक सपना होता है, मेरे को खुद का घर लेना है। सही बात है? Yes. आप लोगों का है सपना? Yes. अरे बोलिए। Yes. हमारा भी सपना था ऐसे ही कि हमको एक घर लेना यार बिल्डिंग में, क्योंकि मैं जिस टावर में रहता हूँ, मैं जिस चौल में रहता था ना, उसके आजू बाजू में बहुत ही बड़ी बड़ी टावर हुआ करती थी, और ये रामचंद्र उस टावर को देखता था और मैं अपने आप को देखता था कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया हुआ है कि मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, ऐसा मैं सोचा करता था मन मन में। मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो, जिस चीज के बारे में बोलते ना दिल से चाहते हो, और परमात्मा को अगर याद करके अगर दिल से चाहते हो, वो चीज ब्रह्मांड में आपका चला जाता है, और वो ब्रह्मांड और वो सृष्टि, वो पूरी कायनात आपको देने के लिए लग जाती है। सही बात है? तो मैंने दिल से चाहा कि मेरे मम्मी पापा को अच्छा घर में लेके जाना है, मैंने दिल से चाहा मुझे वो बिल्डिंग में जाना है। इसी बिजनेस के माध्यम से सर मैंने थाना में घर खरीदा था पहला, इसी बिजनेस के माध्यम से दूसरा घर खरीदा मैंने आज से लगभग 2017 में पलावा सिटी में, जिसमें आज रहता हूँ, जिसकी कीमत करोड़ों के करीब करीब है। और इसी बिजनेस के माध्यम से अभी अभी मैंने 2-3 महीना पहले घर लिया था मम्मी के लिए और मेरे भाई के लिए बदलापुर में, उसका 10-15 दिन के अंदर चाबी मिलने वाला, उसकी कीमत भी 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है। सोच के देखना, एक गरीब एक लड़का हुआ करता था मैं, आज मेरे लाइफ में 2-2, 3-3 घर आ गए, 4-4 गाड़ी आ गए, महीने की लाखों रुपए की इनकम। तो ऐसी जिंदगी आपको चाहिए? अरे बोलिए, ये झूठ नहीं बोल रहे भाई, ये हमारी जिंदगी यहाँ से बदली है। yes. स्टेज है ना, झूठ नहीं बोलवाता है। yes, yeah. यहाँ के जो लोग आके बोल रहे हैं ना, इनकी जिंदगी अब बदली है, और ये भी आपकी तरह एक दिन थे, बस क्या हुआ टीके हैं हम लोग, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे लोगों की वजह से यहाँ के माइनेस्टर मैनेजमेंट, यहाँ की हमारी पूरी टीम, और ये सारे लोगों को मैं थैंक यू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे आज से 8 साल पहले उस भगवान ने समझने की बुद्धि दे दी। अगर मैं नहीं समझा होता तो आज आपके सामने नहीं होता, आज मैं मुंबई जैसे शहर में एक 10-15-20-30-40 हजार का नौकरी करना पड़ता, बॉस की गालियां सुनना पड़ता, ट्रेन और बस का थक्का खाना पड़ता मुझे, लेकिन आज ये बिजनेस की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो क्या ऐसे जिंदगी आपको चाहिए? चाहिए आप लोगों को? सारे लोग अभी भी इसमें नहीं बोल रहे। देखो, दिल से जो चीज नहीं चाहोगे, दिल से जो बोलोगे नहीं, मुंह से खोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं यहाँ पर। क्या ऐसी जिंदगी आपको चाहिए? yes! क्या आप लोगों को चाहिए? yes! हम लोग ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज से 8 साल पहले जो मेरे जिंदगी में हुआ है, इससे ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी में हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, सब लोग जिंदा हैं? पक्का? क्योंकि आप ही की तरह जब मैं ये बिजनेस देखने आया था, जैसे आज आप आए, ऐसे मैं नाला सुपारा से घाट को पर आया था, और आया नहीं था, पकड़ के लाए थे मुझको, समझ रहे? और आए थे जब बैठा, शुरू में तो मन नहीं कर रहा था, शुरू में लग रहा था यार कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग लगता है पक्का फंसा ही देगा। हेलो, थोड़ा बात करेंगे ना, क्योंकि राम सर ने तो बहुत अच्छी बता दिया, अभी सर भी आएंगे बहुत अच्छा बताएंगे। बहुत दिन बाद, लगभग 1.5-2 साल बाद मैं आया हूँ आज मुंबई में, बाकी सिटीज में हम लोग सब बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा मैं आप लोगों से बातें करूँ। हेलो, क्योंकि रिएक्शन नहीं मिलेगा ना तब तक हम सब माई लाइफ वाले हैं, अगर आपका रिएक्शन नहीं मिलेगा ना तो हम रिएक्ट नहीं करते, हमारा जो बेस्ट है वो हम ले ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज है, हम लोगों की बहुत पुरानी आदत है कि मुंह में अंगुली डाल डाल के बुलवाते रहेंगे, तब तक हाँ नहीं बोलते ना तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि थोड़ा आप साथ दो, थोड़ा हम साथ देंगे, साथ देंगे। दोस्त, आप
कांग्रेस में एक एक लीडरों की बातें जब मैं इंसिडेंट पे सुनता था, इनकी कहानियां सुनता था, तो मैं उछल उछल के ताली बजाता था, शांति से नहीं बैठा था। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव इंसान था और मुझे मेरी जिंदगी में बदलाव चाहिए था। yes, yes. मैं दर्द भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं गरीब बन के जीना नहीं चाहता, और मुझे इस दुनिया में आ, मतलब एक एक जब मैं जॉब करता था ना, तो मैं अपने हालातों से निकलता था, दिमाग में हमेशा एक पेन होता था कि मुझे मेरी हालातों से निकलना। और मैं बताऊं, दुनिया में कोई आदमी अपने हालातों से निकलने कोई रास्ता नहीं बताता दोस्तों, बड़े बड़े ज्ञान बताते। जब यहाँ बैठा ना, एक एक इंसानों की स्टोरी सुना, उछल उछल के ताली बजा रहा था मैं। मेरे बाजू वाला बैठा, वो ऐसे बोल रहा था, लगता सारा पागल हो गया। बात आप समझ रहे हैं? मैंने बोला, भाई मैं पागल नहीं हुआ हूँ, जिंदगी में पहली बार आंखों के सामने सपने को सच होते देखा हूँ। मेरे मम्मी ने भी आप बोला, मेरे पापा ने बोला, अगर भाग गई तो मैं बोला भाग गई तो मैं आत्महत्या करूंगा, बस तुम लोग संतोष करो। क्योंकि वैसे ही अपनी था मैं, दो शब्द का जवाब दो ही शब्द में देना चाहता हूँ। बात आप समझ रहे हैं? मैंने बोला तो मैं छोड़ दूंगा दुनिया। बात आप समझ रहे? मेरी मौसी ने बोला, ये कौन सा फंसाने का काम चालू कर दिया। दर्द होता था, पेन होता था, कोई आदमी ये नहीं चाहता था, कोई आदमी ये नहीं जानता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे मेरी हालातों से निकालने के लिए कोई रास्ता तो बताओ, कोई नहीं बताता था बॉस। मैंने बैठे बैठे फैसला किया मुझे करना है, और मैंने पापा से एक ही शब्द बोला, या तो मैं कामयाब होऊंगा, और नहीं कामयाब होऊंगा तो वापस घर लौट के नहीं आऊंगा। और हकीकत मानिए दोस्त, 3 साल बाद मिल रहा है तो उसको पकड़ो। 1000 लोग नहीं बोलने वाले लोग मिलेंगे, 1000। मैं अंकलेश्वर में काम करता हूँ, सर्वे करता हूँ, गांव के देहात देहात एरिया में काम करता हूँ। एक एक रुपए के लिए लोग तरस रहे हैं दोस्त। आज उनके पास जो लाख रुपए देते थे, 5000 रुपए के लिए तरस रहे हैं। आज आप सोचो आज मार्केट की दशा क्या है। अरे एक हिम्मत करनी है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, काम करने की जरूरत है। 3 गुना काम करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, तब तक करेंगे तब तक अपने हालात को वापस ना करके। ऐसे इस समय कुकुर मुद्दे की तरह बहुत राय बहादुर मार्केट में भरे भरे मिलेंगे। कल मेरे दो दोस्त बिल्डर मिले, मेरे को आइडिया बता रहे बैठे थे, हालात उनकी फटी है, डरा हम पर है। हालात समझ रहे बोल। मैंने बोला विजय सिंह जब तक जिंदा है, एक एक बूंद खून है, तब तक माइल फ्री करेंगे। और उसके बाद अगर आपसे लोग अपनी हालातों से निकलने के लिए यहाँ आए हैं, तो आज कमिटमेंट करके विजन्स की शुरुआत की थी, और जिस लीडर के द्वारा आए हैं उसका हाथ पकड़ लीजिए और मिल करके भरपूर मेहनत कीजिए। जहां जरूरत होगी हम पूरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से गारंटी देंगे, सपना आपका होगा, उस सपने के लिए आपका पसीना बहेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर अपना ब्लड बहा के आपके सपनों को पूरा करेगा। किशोर दादा नमस्कार। दोनों धरती के लिए जोरदार ताली बजाए। जैसे आज आप मेरे प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए हैं, मैं भी आज से कुछ साल पहले घाटों पर गया था, 5वें महल में बैठा था, लगभग 3 घंटा बैठा मैंने, और 3 घंटा पूरा पिक्चर यानी कि पूरी प्रोग्राम को देखने के बाद मैंने मजबूत निर्णय लिया था। वो निर्णय ये था कि बिजनेस को मैं नहीं करूंगा। आप हंसे होंगे, एक्चुअली रियल इंडिया मैं नहीं करूंगा। अच्छा क्यों नहीं करूंगा, उसके वजह बहुत बड़े रीजन है। रीजन ये है कि जिसे ने प्रेजेंटेशन में पहली बार देखने के बाद, वो टाइम पे मैं होटल के अंदर वेटर काम करता था, और मेरे जो महीने की आमदनी थी 2500 थी, और आप जैसे लोग ही आते थे तो चाय वगैरह पीने के बाद
कुछ टिप्स दे देते दे, तो महीने का 5,000 कमाने वाला लड़का को 3 घंटा बैठा के तुम बोले करोड़पति बनेगा, तू क्यों विश्वास करेगा? कैसे बोल रहे हो? महीने का 1,00,000 रुपए एक साथ में दे देगा था, और यहाँ पे जितने भी लीडर आ रहे थे कोई भी 1,00,000 के नीचे बोला घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगले हो गया, 1,00,000 रुपए कमा रहा, वो कमा रहा, मैं तो उल्टा डर गया, बाबा ये मेरे काम का, और ऊपर से 12वीं फेल, वो भी 5 सब्जेक्ट, मुझे मार्केट में भी उनकी नौकरी, जिंदगी खत्म हो गई। मैं यही सोचा बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं, वो बोलता ना ब्रह्मचारी बन जाओ, लड़की भी नहीं मिली है, 12वीं फेल, होटल का वेटर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, गाँव में मेरी यही चल रहा था, बहुत जिंदगी तकलीफ में चल रही थी। तो उतने में 3 घंटे में सब सुनने के बाद मैंने निर्णय लिया कि बिजनेस को मैं नहीं करूंगा, कि मेरे से होने वाला नहीं है, मेरे लिए नहीं। लेकिन 5 महीना में डिसीजन नहीं बोला था, नीचे आने के बाद मेरा भाई खड़ा था, कजिन था, उसने कुछ बातें समझाया दोस्तों कि बिजनेस तुमको क्यों करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, 3 घंटे में जो समझ में नहीं आता ना, बाद में 3 मिनट में समझना, तो उसने मुझे 3 मिनट में बाद में समझाने के बाद बराबर दिमाग में गया, और वो बहुत बहुत क्या बताया था उसके ऊपर मैं बाद में कभी बात करूंगा, लेकिन उसकी बातों की वजह से मैंने निर्णय लिया। अब वो निर्णय लेने की वजह से मेरी लाइफ में इतनी सारा बदलाव आया, और यहाँ पे आप लोग ताली बजाओ, क्या चाहिए था? बात है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे ना हम सब लोगों को हमारी इनकम बताना पड़ती है, घर बताना पड़ता है, गाड़ी बताना पड़ता है, जूते बताना पड़ता है, सब बताना पड़ता है। इस बात के दुख क्यों है मुझे? मुझे भी दुख है बहुत, सबको दुख पड़े, इनको सबको दुख है कि बोलने को अच्छा नहीं, फिर भी बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सक्सेस अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम होता, लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है, भाई देख मैंने लिया तू भी ले सकता है, नहीं तो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है देखने को कुछ बताने की जरूरत है क्या? फिर भी बताना पड़ता है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर है, यहाँ पे सक्सेस की बड़ाई नहीं किया जाता है। अगर ऐसे किया होता तो मैं 12 साल होटल में काम नहीं करता, 11 साल, मैं समझा पा रहा हूँ? तो दोस्तों मैंने भी मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया, जैसे मैंने सिर्फ प्रोडक्ट चेंज किया, दुकान बदल किया, तो मेरी लाइफ में भी बदलाव आया। बताओ, जब होटल में वेटर का काम करता था तो 450 का शू पहनता था, जिस दिन मैं मीटिंग में आया वो 450 का शू पहनता, आज मैं 10,000 का शू पहनता हूँ, मैं 30 रुपए का सॉस पहनता था, अभी 850 का पहन रहा हूँ, मैं जब वेटर का नौकरी करता था 500 का शर्ट पहनता था, आज मैं 2,500 का पहन रहा हूँ, 15,000 का भी 2,000 पहन रहा हूँ, रायमान का, ये बताना पड़ रहा है, क्यों बताना पड़ रहा है? मैं पहले बोला हूँ, हेलो, जब वेटर का काम करता था तो 5 रुपए लेक्सी पेन यूज करता था, आज 5,500 का क्रॉस पेन यूज कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं जब होटल में काम करता था मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, आज एक नीचे छोटी सी गाड़ी खड़ी जिसकी कीमत लगभग 22,00,000-20,000 की, क्रेटा टॉप मॉडल, जो मजेदार चलती है, और ये मेरी पहली कार नहीं है, ये मेरी चौथी कार है, मेरी घर कितनी कार है, चौथी कार है। हेलो, 11 साल होटल में काम किया, सही मतलब बोलते ना टेबल पे सोता था, होटल में जिधर हम नाश्ता करते थे उस टेबल पे हम लोग सोते थे। अभी मैं पिछले 1 साल से मैं घोड़बंदर में खुद के घर में रहता हूँ, वहीं से भी आया, बस यही बदलाव हुआ कुछ है, प्लेन ऊपर से देखते थे बहुत क्वारंटाइन हो गया, सब हो गया, अभी तो बहुत कुछ हो गया, छोड़ दो वो सब, जान के आपको करना जरूरी है बिजनेस, सही है? और डिसीजन ले लो, ये बिजनेस को स्टार्टअप करो, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। मैं आपको एक ही वाक्य में एक बात कहूंगा, क्योंकि और एक सीनियर है हमारे, उनको भी सुनना है, बाकी उमेश भाई भी, उनको भी सुन लो, बहुत अच्छा एजुमेंट है उनका। मेरा कहना ये है कि दोस्तों कि मैंने डिसीजन लिया ये बिजनेस करने का, डिसीजन लेने के लिए मैंने मेरा भाई के ऊपर विश्वास किया था, और आपको मालूम है पूरा दुनिया विश्वास के ऊपर ही खड़ी है, करिए कि नहीं करिए? अगर मुझे बताओ, आप जब ट्रेन में चलते हैं तो देखते हो बंदर चला रहा है कि इंसान चला रहा है? विश्वास है कि इंसान ही, पहले देखते चढ़ते हो, देखो मोटर में देखे, पहले देखते हो, उसके बाद तब तक ट्रेन रुकेगी? अच्छा, जिस बस में चलता हो कभी आपने उसे ड्राइविंग लाइसेंस पूछा है देखो गाड़ी चलाते हैं? मतलब आपको विश्वास है? हेलो, जिस कंपनी में आप काम करते हो क्या आपके बॉस के ऊपर आपको विश्वास है क्या कि 30 दिन काम कर रही है बाद में पकड़ देते हैं? पहले दिन एक काम कर, तू पहले दिन तेरे ऊपर विश्वास नहीं, 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन ऐसा होता है क्या? नहीं, तू पहले 30 दिन काम कर रहा, उसके बाद तुझे 1 तारीख को, यानी कि पूरी जिंदगी विश्वास में चल रहा है तेरा। अगर तेरा पूरा जिंदगी विश्वास में चल रहा है, जिनके साथ में आया उसके ऊपर एक विश्वास कर, 3 साल के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी। पहला काम, दूसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक इंसान और है जिसके ऊपर विश्वास कर रहा हुआ है खुद। अगर भैया, अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास अगर तुझे है तो एक बिजनेस में आओ, अदरवाइज मत आओ। हेलो, तो डिसीजन वही लोग लेते हैं जिनको खुद के ऊपर विश्वास है, समझ में आ रहा है दोस्त? अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ मेरी जिंदगी के अंदर, तो आ जाओ हमारे साथ और 3 साल खड़े रहो, 3 साल के बाद आपका नाम वही रहेगा और नाम क्या लिखा जाएगा? करोड़पति। मेरा लास्ट में ये बिजनेस में गोल्ड हूँ, मेरा लास्ट महीने का मंथली जो बोनस 1,60,000 से मतलब 500 रुपीज लगभग 2.5 लाख रुपया,
सिर्फ बोनस कंपनी फ्री में दे रहे क्योंकि हम लोग हफ्ते के लिए काम करते हैं। हम लोग महीने के लिए काम करते हैं सर, अब तो हफ्ते के लिए हम लोग भैया मैचिंग करते हैं और वो ऊपर से अपने आप आ जाता है महीने का। पौने 2 लाख रुपए अगर मुझे होटल में कमाना पड़ता था ना दोस्त, साल का 60,000 कमाता था मैं, कितना साल लगता था मेरे को सोचो, यहाँ पे महीने में कमा रहा। तो आज मैंने निर्णय लिया, इसके लिए मैं आज यहाँ पे हूँ, आप भी निर्णय ले लो, आप भी यहाँ पे आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश्वास एक सच्चा है। बता दिया और यहाँ पर अचीवमेंट होता है या सोनो, अगर आप समय देंगे तो 100% आपका भी होगा। मैं बताना चाहूंगा आपको, 7,000 रुपए की नौकरी से महीने का लगभग 5.5 लाख से लेकर 6 लाख का सफर तय किया मैंने, एक महीने का एवरेज इनकम आज मेंटेन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने कभी सोचा नहीं था कि बम्बई में अपना भी कभी घर होगा, 3 फ्लैट हो सका। इस बिजनेस की वजह से 4 गाड़ियों में एक छोटी सी गाड़ी बाहर मेरी खड़ी है, डैडी सी क्लास मर्सिडीज बेंज दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से खड़ी है। इसके साथ साथ कई सारे फॉरेन ट्रिप हुए, डोमेस्टिक ट्रिप हुए, लाइफ में कभी सोचा नहीं था उम्र के 33 साल में जो आज अचीवमेंट हमने किया ना। हेलो, कसम से बोलता हूँ ये शुरुआत है, अभी मां कसम, अभी आगे बहुत सारा अचीवमेंट करना बाकी है। मजबूत नेटवर्क बना लिया है। सर आपके पास कितना घंटा है टोटल, एक दिन में कितना घंटा है? सोच क्यों रहे इतना सर, मतलब सोच के बताना, 25 बता दो, ऐसा कुछ तो नहीं है। 24 घंटा मैडम आपके पास, 24 घंटा आपके पास सर, जोर से बोले, आप 24 घंटे का उपयोग करके हो सकता है आप 25 या 50 हजार कमा रहे हो, सकता है 1 लाख रुपया कमा रहे हो, उससे ज्यादा भी मुझे आपके लाइफ के बारे में पता नहीं। ऐसे भी लोग बैठे जो 24 घंटे में अपना 10-12 घंटा का उपयोग करके 10-15-20 हजार रुपए में भी गुजर बसर कर रहे हैं। आया ना, आप सब लोग एक बात बताइए, जो 24 घंटा है आपका, इसी 24 घंटे में कितना भी उल्टा लटक पटक जाओ, क्या लगता है आपको मर्सिडीज बेंज आएगी कभी? नहीं, पॉसिबल नहीं है दोस्त, संभव नहीं है कभी। इसी 24 घंटे का उपयोग करके आप अपने लेवल पे कभी आप 1 करोड़ के घर तक नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने समय बढ़ाने की कोशिश किया तो जानते हो मर्सिडीज बेंज आ सकती है, करोड़ों का घर आ सकता है। और ये 24 घंटे का उपयोग यानी ये समय बढ़ाने का हिसाब किताब जब हम लोगों ने चालू किया था, आज आप मान लीजिए चालू करते बिजनेस को, अकेले आते हैं, 2 लोगों से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 2 से 4 होता है, यस और नो? यस। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर उसके बाद 256, 512, 1024, ऐसे करके हजारों लोगों में क्वांटिटी बढ़ जाती है। और हजारों लोग जब काम करते हैं तो घंटा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यस और नो? और फिर आपका इनकम लाखों में चला जाता है। नेटवर्क आपका जब बन जाता है तब आप हमारे तरह सक्सेस लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं, आना पसंद करेंगे? नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, जानना चाहेंगे क्या ताकत है नेटवर्क में? जानना चाहेंगे क्या? कितने लोग? तो आपका ये वाला हाथ ना ऐसे कीजिए, ऐसे सभी लोग, और ये राइट थम्स, और एक थम से खाली आप बचाइए ऐसे, एक थम से, यह है आपका वो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा। गलत बोला हूं? यस बोल रहे हो यार? आपका 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, यस और नो? अब नेटवर्क बढ़ रहा है आपका, टीम बढ़ रही है, 2 उंगली हेलो, और नेटवर्क बढ़ के 100, 3 उंगली और नेटवर्क बढ़ के 4 उंगली हेलो, आप सोच के देखिए, अगर 5 उंगली की ताकत
ये सभा बांध सकती है। तो जिस दिन आपके टीम में 5 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 5,000 लोग काम करना चालू कर दिए ना, मैं कसम बोलता हूँ ऐसे ही नोटों की घटियों की आवाज आएगी, ऐसे ही नोटों की घटियों की आवाज आएगी। तो आइए हम साधारण लोगों के लिए माय लाइफ स्टाइल इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यस और नो? तो वेलकम कर रहा हूँ आप सभी लोगों का और आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष दे रहा हूँ कि आप सभी लोग 100% करोड़पति बने। और लास्ट में जाते जाते आप सभी लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं, कल गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं।